हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक आज का कुछ इस तरह से रहने वाला है कि व्हाट इफ आई फेल इन माय फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात, यू ऑलवेज हैव टू थिंक पॉजिटिव, ओके। यानी कि अभी तो आपकी एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुई है और अभी से आप फाइनल सेम में फेल होने के बारे में सोच रहे हो तो दिस इज नॉट अ गुड फेयर ऑल, ओके। यू ऑलवेज हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू ऑलवेज हैव टू स्टे मोटिवेटेड। मैंने कल ही एक मोटिवेशन वीडियो डाला था, प्लीज गो टू दिस वीडियो, बहुत ही अच्छा, मतलब आपके लिए काम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिक्का होता है, उसकी दो साइड्स होती है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में एग्जाम में 90% पास होते हैं, 10% फेल होते हैं, बट उसके आगे क्या प्रोसेस है। अगर आप पास होते हो तो फिर, अगर आप पास होते हो तो क्या है, और आप फेल होते हो तो क्या है, वो सब कुछ हम देखेंगे। और उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग में एग्जाम में पास होते हैं तो ऑब्वियसली आप आगे जाओगे सेकंड सेम में। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट सेम में लगती है फेल, आप कोई भी एक सब्जेक्ट में होते हो फेल। अब ये एक सब्जेक्ट रेंडमली ले लीजिए कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क है कि जिसके अंदर आप फेल होते हो, तो फिर क्या रहता है। अब आपने पहला सेमेस्टर का 6 महीना तो निकाल दिया, अब उसके बाद क्या होगा, आपका दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा। दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा और दूसरे सेमेस्टर के अंदर जब भी आपकी फाइनल सेम की एग्जाम आएगी, उसके 15 या फिर 20 दिन पहले जब भी आपकी फाइनल सेम की एग्जाम आएगी, बिफोर इट 2 or 3 weeks, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 days, तब आपके यहाँ पे फिर से एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। किसके लिए, जो आप सब्जेक्ट में फेल हुए थे पहले सेमेस्टर में, जो था आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर आप पहले सेमेस्टर के अंदर फेल हुए थे, उसकी फिर से एग्जाम आपकी यूनिवर्सिटी लेगी। चाहे आप GTU में हो, चाहे आप निर्मा में हो, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, उसकी एग्जाम यहाँ पे फिर से लेगी आपकी यूनिवर्सिटी। और उस टाइम पे आपको यहाँ पे फिर से ये पेपर देना होगा, सेम ही रहेगा, मार्क भी सेम होगा, डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा नीचे होगा, बट उसके बाद आपको ये क्लियर करनी होगी। अब मान लीजिए कि यहां पे भी मैं फिर से 2 केस लूंगा हूं, पास और फेल, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहां पे आपका, मान लीजिए कि आपने क्या किया, पहले यहां पे आपकी सेकेंड सेम की जब एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले आपने दे दिया ये एक जो फेल हुआ था वो वाला पेपर। उसके बाद आपके यहाँ पे दूसरे सेम की फाइनल सेम होती है और जिसके अंदर आपके यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स है और सारे के सारे आपने एग्जाम दे दिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपका सेकेंड सेम के सारे एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के अंदर आपके दूसरे सेमेस्टर के यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स के तो लिखे होंगे, बट आपको जो पहला सेमेस्टर में KT आई थी, ब्लॉक आया था, बैकलॉग आया था, वो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे मैं 2 तरह के टेस्ट केसेस लेता हूँ। कि पहली बात कि आपने सेकेंड सेमेस्टर इजीली पास कर लिया, बट पहला सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स में आपको KT थी, जिसमें आप फेल हुए थे, जिसमें आपको ब्लॉक आई थी, उसमें आप पास हो जाते हो, पास हो जाते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इजीली आगे जा सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे फिर से फेल होते हो तो फिर से ये रिपीट होगा, यानी कि आपका 3rd सेमेस्टर चालू हो जाएगा। 3rd सेमेस्टर में जब भी फाइनल एग्जाम होगी, बिफोर 2 or 3 weeks, यू हैव टू अगेन सिट फॉर दिस पेपर विच यू आर फेल, ओके। अब GTU के कुछ सर्टेन रूल है कि एक साथ अगर आपकी 5 KT साथ में हो जाती है तो फिर आप आगे स्टडी नहीं कर पाते हो, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर KTs, आपको 1 साल देना होगा, 1 साल ड्रॉप लेना होगा, देर आर ऑल्सो सो मेनी रूल्स। बट सी, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गोन थ्रू दिस टास्क पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके। बट यहाँ पे जनरली लोग इजिली क्लियर कर पाते हैं, इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग ईजिली यहाँ से निकल जाते हैं। बट द थिंग इज, आपको क्या याद रखना है, पहले सेमेस्टर में आपको कोई एक सब्जेक्ट में KT आई, दूसरा सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले आपकी वो एग्जाम होगी। अब वो सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिया, इसको भूल जाइए। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया, सेकेंड सेम निकल गया, फिर से आपका 3rd सेम आएगा, 3rd सेम में फाइनल सेम के पहले आपकी यहाँ पे वो फेल सब्जेक्ट्स की एग्जाम होगी, ठीक है। एट द एंड द थिंग इज, जब भी आप फेल होते हो उसके बाद के सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम पे पहले आपकी वो एग्जाम क्लियर होगी, वो एग्जाम का पेपर होगा और दोनों के रिजल्ट साथ ही आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।